जी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। पहले मैंने आपको बताया था टेस्ट फाइव और टेस्ट सिलेबस, और अब आपको लाइव टेस्ट दिखाने जा रहा हूँ कि किस तरह आपने टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। इस वक्त आपकी स्क्रीन पे है सेक्शन वन और साथ में आपको टाइम भी गिवन है। देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ है कि क्वेश्चन वन आउट ऑफ 40, तो आपने जो है 40 में से अभी पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है फिल इन दी ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड, खाली जगह पुर करें सही अल्फाज के साथ। द बजट रिपोर्ट फॉर द लास्ट ईयर वाज वेरी डैश रिसर्च, के आखिरी साल आपने जो बजट रिपोर्ट देखी थी वो क्या थी? अच्छी रिसर्च थी, वेल रिसर्च, मच रिजल्ट, वेरी मच, वेरी गुड या वेरी कंप्लीट। इन में से जो आपको करेक्ट आंसर लगे उस पर आपने क्लिक करना होगा। आंसर चूज करने के बाद नेक्स्ट का बटन है नीचे, उस पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके सामने अपीयर हो जाएगा। याद रहे स्टूडेंट्स, ये टेस्ट लाजमी नहीं कि सही अटेम्प्ट किया गया हो, ये एक अपने जो है गिग क्रिएट करने के लिए अटेम्प्ट किया गया है। आप इसको फॉलो नहीं करना, आप सिर्फ इसका एक तरीक़ाकार देख लें, बाकी आप अपनी तैयारी करके आंसर्स को अटेम्प्ट करना है। यानी इसमें तरीक़ाकार जो दिखाया गया है वो बिल्कुल करेक्ट है, जबकि जो आंसर्स की चूज़ करने का सवाल है तो आंसर्स को कुछ इसमें आंसर्स गलत हैं चूज़ किए गए हैं और कुछ ठीक चूज़ किए गए हैं। जी तो अब आप टेस्ट को लाइव देखिए और इसके आंसर्स को खुद अटैम्प्ट करने की कोशिश कीजिए कि यानी आपके जहन मुताबिक कौन सा आंसर ठीक होना चाहिए था और जो बंदा अटैम्प्ट कर रहा है उसने कौन सा आंसर अटैम्प्ट किया है। और फिर एंड पे इसका रिज़ल्ट भी ज़रूर देखिएगा कि क्या आप जो कह रहे थे वो आंसर्स ठीक थे या जो इस बंदे ने अटैम्प्ट किए हैं वो ठीक हैं। तो रिज़ल्ट को ज़रूर देखिएगा कि क्या रिज़ल्ट निकलता है।
जी स्टूडेंट्स, जब आप ये टेस्ट मुकम्मल 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें तो फिर आपने एंड टेस्ट पे क्लिक करना है, तो आपके सामने जो है रिज़ल्ट वो अपीयर हो जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं, आपके सामने टेस्ट रिज़ल्ट आ गया है। US English Basic Skill Test, यू हैव फेल्ड दिस टेस्ट, यू मे रीटेक द टेस्ट व्हेन एलिजिबल, कि आप इस टेस्ट को दोबारा दे सकते हैं जबकि इस टेस्ट में आप फेल हो चुके हैं। तो ये टेस्ट इतना भी आसान नहीं है, ग्रामर काफ़ी आपको मजबूत करनी होगी, काफ़ी पढ़ना होगा ग्रामर को, फिर जाकर आप इस टेस्ट को पास कर सकते हैं। ये जो fiverr.com की वेबसाइट है वो इस चीज़ को इंश्योर कर रहे हैं कि जब आप इस पे काम करें, किसी को कोई कंटेंट राइट करके दें, तो उसमें मिनिमम मिस्टेक्स हों, यानी मिस्टेक्स उसमें नहीं होनी चाहिए। fiverr.com अपने जो है स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए इस टेस्ट को आपके लिए मुनक्किद करता है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये टेस्ट आपने रीटेक करना है विद इन 24 आवर्स, यानी आपने अपनी ग्रामर को बेहतर बनाने के लिए ऐसा नहीं कि पूरा पूरा हफ्ता ले लेना है और उसके बाद इस टेस्ट को देना है, बल्कि इसमें इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि आपने जो रीटेक टेस्ट करना है वो विद इन 24 आवर्स करना है और 3 महीनों के अंदर 2 बार दे सकते हैं। जी, ये आपको मार्क्स भी दिखा रहा है, 4.5 आउट ऑफ 10, यानी 10 मार्क्स में से जो इस बंदे जिसने अटेम्प्ट किया था टेस्ट उसके आए हैं 4.5, और इसके जो 40 में से करेक्ट आंसर हुए हैं वो हैं 18, और इसने किस डेट को दिया है, September 15, 2019 को। पासिंग स्कोर है इसका 6.0 और ट्रांसक्रिप्ट आईडी इसकी आपको भी दिखाई गई है। यानी पासिंग स्कोर 6.0 का मतलब है कि इस बंदे के जो 4.5 मार्क्स आए हैं, अगर 6 मार्क्स इसके होते तो ये टेस्ट क्लियर था इसका, लेकिन बदकिस्मती ये है कि इसके जो है एक दो नंबर या 1.5 नंबर रह गया है। एक दो अगर MCQs मज़ीद ठीक कर लेता तो इसका टेस्ट भी पास हो जाना था। अगर आप इस टेस्ट के बारे में कोई फीडबैक देना चाहते हैं वेबसाइट को तो आप दे सकते हैं, कंटिन्यू एंड प्रोवाइड फीडबैक पे करेंगे तो आप फीडबैक का सेक्शन आएगा, उस पर फीडबैक दे सकते हैं। अगर नहीं देना चाहते तो कंटिन्यू विदाउट फीडबैक करके भी इस टेस्ट को क्लोज कर सकते हैं। जी, तो ये बंदा जो है अपनी वेबसाइट अपने इस टेस्ट का रिव्यू दे रहा है, फीडबैक दे रहा है कि ये टेस्ट अच्छा था या मतलब ज़्यादा टफ तो नहीं था या क्या था। तो इसने तो काफ़ी अच्छी फीडबैक दी है कि रियली नाइस एंड इंटरेस्टिंग, इसको तो इंटरेस्टिंग भी लगा है, हालांकि खुद फेल हो गए लेकिन फिर भी ये बंदा काफ़ी हिम्मत वाला है, हौसले वाला है कि अच्छे रिमार्क्स दे रहा है। Q1 के रिमार्क्स दे दिए हैं, अब उसी रिमार्क्स को कॉपी कर रहा है और फिर इस रिमार्क्स को कमेंट में सेक्शन में पुट करने वाला है, यानी यहाँ दूसरे क्वेश्चन के रिमार्क्स में भी कॉपी करने वाला है। तो इस तरह से आप लोग भी रिमार्क्स दे सकते हैं ताकि वेबसाइट को भी फीडबैक जाता रहे और उसको अपनी जो है वो टेस्ट को थोड़ा आसान बनाए या मुश्किल बनाए या किस तरह उसमें चेंजेस लाए वो उसको चल सके। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा, और मज़ीद ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए एजुकेशन के हवाले से तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। मुझे आपका वेल विशर मिस्टर एच रहमान को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तमाम तालीमी मसाइल का हल हर वक्त बर वक्त, सिर्फ और सिर्फ तालीम की दुनिया पर।